मत है, नबी के बागियों को ईमान नहीं मिला। अल्लाह आपको मुझे इससे बचाए। और अब हम जिस तरीके से आए, हमारे आमाल ऐसे हो चुके हैं कि यानी सुन्नत का एहसास नहीं है। अब मुश्किल ये हो गई कि सुन्नत का एहसास दिल से खत्म हो चुका है। और याद रखना कि यानी जब इंसान के दिल में सुन्नत का एहसास खत्म हो जाए, कभी मौत के वक्त कलमा या कब्र के अंदर हुजूर को पहचान नहीं सके। जब फरिश्ते पूछेंगे ना, मर रब, तेरा रब कौन है, वो कहेगा हा हा अनदादरी है, मैं नहीं जानता वो कौन। सारी जिंदगी नबी की मुखालफत में गुजरी, अब कैसे पहचाने। जब कोई मा तकूल फी हक के हादर रजुल, और ये शख्स कौन खड़ा है, वो कहेगा हा हा अनदादरी, बुखारी की हदीस है, हाय मुझे तो नहीं पता। अकूल मा यकूल الناس, मैं वही कहूंगा जो लोग कहते थे, मुझे नहीं पता ये कौन है। अब आप गौर करो। और एक रिवायत में जो इमाम गजाली लिखते हैं, जब वो पूछेंगे बर रबुक, तेरा रब कौन है, वो कहेंगे तुम मेरे रब हो। इनको कहेगा फरिश्तों को, भाई यही कहना होगा, मार शुरू हो जाएगी। बड़ा फरिश्ता शिर्क छोड़ सकता है, क्योंकि उसे पता भी नहीं है ना रब पर कितनी मेहनत किया गया नहीं। अब जिसकी मेहनत दुकान पर हो, मुलाजमत पर हो, मकान पर हो, हमारा वक्त इसके चमकाने का फिक्र हो, वो कब्र में रब को रब कह सकेगा, सारे रब कहना बड़ा मुश्किल है। रब कहना, ये तो बड़े बड़े अकाबिर घबरा जाते हैं। 70 साल हदीस पढ़ाने वाला मुहद्दिस अल्लामा सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, कब्र के अंदर गया, जिसने सारी जिंदगी यही सवाल और जवाब पढ़ाए थे, फरिश्तों ने कहा मर रब्बुक, यूं हाथ यानी खोल के खड़ा हो गया, आंखें खुल गई, मुंह पर उतर आ गई, मुंह जबान निकल आई, कुछ सोच नहीं, बेशऊर हो गया। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुहद्दिस को कहना कुछ नहीं, तुम खड़े रहो। अब फरिश्ते भी खड़े हैं, वो भी खड़े, 70 साल तक वो जवाब न दिया, 70 साल तक फरिश्ते यूं खड़े, अब उसको जवाब दिया। आप गौर फरमाए, आसान नहीं, कब्र की मेहनत रही है हमारे पास, जिस पर मेहनत है वो हमें, हम उसको छोड़ने वाले हैं, जो अगली चीज है उसके हम गाफिल हैं। न दीन में बैठे, न दीन पढ़ा, न दीन सुना, न उलमा की सोबत, न औलिया की सोबत, न मजे, अब बताए दीन आएगा कैसे। आप गौर फरमाए, एक शख्स एमए करना चाहता है, न किताब को पकड़ता है, न कलम को उठाता है, न कॉलेज में जाता है, तो घर बैठे वो बन जाएगा एमए हो जाएगा। आप गौर फरमाए, हम न ईमान के पीछे दौड़े, ना उलमा की मजलिस, ना सोलहा की मजलिस, ना अतकिया की मजलिस, ना हमने खुद पढ़ा, ना दीन पढ़ा, ना दीन वालों के बाद बैठे कहे हम बड़े मोमिन आ गए, तो मोमिन ऐसे हुआ करते हैं। अब जब 70 साल तक कोई जवाब ना आया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे के दिल में, मुहद्दिस के दिल में इल्का किया कि कहे अबू बकर और उमर के वास्ते से मुझे छोड़ दो। अब वो फरिश्तों को कहने लगा कि अल्लाह के मलाइका मुझे शेखैन सिद्दीक अकबर और फारूक आलम के वास्ते से छोड़ दो। अल्लाह ने फरमाया पीछे हटाओ, मेरे बंदे ने बेहतर जवाब दिया है, यहाँ भी सिद्दीक फारूक की बात होगी, आओ हम उनकी वजह से उसको छोड़ दें। आई बात, बड़ों बड़ों के अकल नहीं रहते, बड़े घबरा जाते हैं। कब्र के अंदर फरिश्तों का जवाब कोई आसान पड़ा? फरमाया अल्लाह हम सबको बचाए। जब इंसान को पता नहीं ना रब पर मेहनत नहीं की, ईमान शहूदी नहीं आया, कब्र के अंदर रब की पहचान हो, कौन रब? इमाम गजाली लिखते हैं रसायल के अंदर, वो कहते तुम मेरे रब हो, मैं मारना शुरू कर देते। और फिर सवाल जब होता है मा तकूल फी हक के हादर रजुल, मेरे इस शख्स के मुतल्लिक तुम क्या कहते हो, अल्लाह ताला वो सारी चीजें खोल देते हैं, कब्र से हुजूर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन पहचाने का वो मेरे नबी ने फरमाया जो मुत्तबे सुन्नत होगा, जैसे सारी जिंदगी नबी के साथ बगावत की, नबी को पहचाने का कैसे, वो नहीं जवाब दे सकेंगे। ये ना समझे क्या आसान है बात। अल्लाह हमें सुन्नत पर अमल मौत दे, और सुन्नत पर अमल की तौफीक से बात क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह है अला मिल्लत रसूलिल्लाह, अल्लाह हुजूर की सुन्नत पर हमें मौत दे, ये मौत है बात। तो अर्ज मेरी ये है, हर चीज पर मेहनत की, अब आप सारे बैठे हैं, लाखों कमाए और करोड़ों जोड़े, अब आप वैसे ही हाजत मंद हैं जिस तरह पहले थे। जितनी जरूरत पहले आपको थी, अब आपको उसी जरूरत है ना, कि फारिग हो चुके मेरे पास अरबहा आ गए, मुझे अब जरूरत नहीं है। ये जरूरत जिंदगी भर रहती है, इसी जरूरत के अंदर कब्र की जरूरत हमने पूरी करनी, जिस पर हमें निगाह नहीं। तो अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि सुन्नत का बागी जो होगा, यानी नबी के सुन्नत के तारिक को बुजुर्ग क्या लिखते हैं, बागी नबुव्वत, एक गुनाहगार तो रह सकता है, बागी को छोड़ा नहीं जाता। इस पर आप याद फरमाए, बागी को छोड़ा नहीं जाता, मुल्क के अंदर मुजरिम रह सकता है
लेकिन बागी एक दिन नहीं ठहरने दिया जाएगा, क्यों ये बागी है हुकूमत का, पकड़ कर खत्म किया जाएगा। बागी नबुव्वत को कोई माफी न कब्र में मिलेगी न हशर में मिलेगी। अल्लाह मेहरबानी फरमा, अब हमने देख रहे हैं नबी के बागी बैठे हैं या नबी के मुत्तबे बैठे हैं, अल्लाह हम पर फरमाए। तो अब आप इस पर आए कि एक पहली अलामत क्या है कि सुन्नत के खिलाफ अगर अमदन नहीं भूले भी होगा फौरन याद आ जाएगा। जब ईमान हकीकी आ जाता है ना, सुन्नत के खिलाफ बात हो सकती नहीं, खुदा उसको मुत्तबे सुन्नत कर देता है, हर बात के अंदर उसकी नबी की इत्तेबा हो जाती है और सुन्नत पर मुताबे होता है। अल्लाह आपको और मुझे सुन्नत के ताबे बनाए, आमीन। ईमान पर मेहनत के बगैर गुजारा नहीं चलेगा, कोई मेहनत आप में से मेरे में से कोई ईमान पर मेहनत नहीं कर रहा है, गोया कि ये हमारी मौरूसी चीजें जो तो हमें मिल ली गई, इस पर तो बड़ी मेहनत होती है, फिर जाकर ईमान हासिल होता है और फिर अल्लाह राजी होते हैं फिर ईमान देते हैं, जब तक अल्लाह राजी ना हो ईमान देते नहीं है। अब ये ईमान जो हमारे पास होता है ना, इसको कहा जाता है ईमान आरिया, यानी उधारी चीज ले ली। ले भाई, जिस तरह आपने किसी से स्कूटर मांगा, मैंने फलानी जगह जाना है, जरा मुझे दे दो, आप स्कूटर पर जा रहे हैं, वही स्कूटर जिस तरह मालिक को नफा देता है आपको भी वैसे दे रहा है, लेकिन उसके मालिक नहीं, बिल आखिर इसको वापस करेंगे। ईमान आरिया वो होता है जो मौत के वक्त वापस कर दिया जाता है। अल्लाह बिल्लाह नऊज बिल्लाह मजारक अल्लाह में से बचाए, अल्लाह लेते मेरी इमारत को वापस कर, जो जबान से कलमा पढ़ता था तेरे दिल में नहीं आया था, इलाजा। अब वो फौरी तौर पर ईमान को ले लिया जाता है, इसको कहा जाता है ईमान आरिया। ये फिकी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने तंबीह के अंदर इस पर बड़ी तफसील फरमाई है। तो अर्ज मेरी ये है कि ईमान जब इंसान का ये आरिया होता है उधारा, कि आर्जी तौर पर दिया फिर ले लिया जाता है, अब कहीं इसी उधार पर मालिक न बन बैठना, मेहनत करना ताकि हकीकी ईमान आए। हम उधार पर खुश हैं, हमारा ईमान आ गया, इस पर कोई मेहनत नहीं, मेहनत नहीं है। नमाज नहीं पढ़ी मैं बड़ा मोमिन हूँ, रोजा नहीं जी बड़ा मोमिन हूँ, मैं हूँ बेशक मैं ऐसा हूँ, लेकिन किसी मैंने कभी हलाल खाया हराम नहीं खाया, नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, नबी खुदा को दुख देने वाला मैं हराम हलाल की बात कर रहा। तो अल्लाह मेहरबानी फरमाए, बात यह है कि फलेहदा अब आप ये समझें कि ईमान बगैर मेहनत के नहीं आएगा, और ईमान के लिए मुश्त है ना ये जो मौजूदा तालीम है, इस तालीम के असरात है कि बातिन के अंदर बेईमान बंदा होता है। अंग्रेजी तालीम के असरात है। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कसम उठाकर फरमाया था कि अंग्रेजी बोलने से सीने में निफाक पैदा होता जाता, ईमान रुखसत हो जाता। अब हमारी दुकानों पर भी वही नाम लिखे हुए, एक अंग्रेज की औलाद बैठे हैं, यानी एक हजाम है ना, उसको भी ये हमाम लिखना नहीं आएगा, क्या लिखेगा, कैसी गलत किस्म के ऊपर लिख रखेगा, है हजाम दादा लगाओ, वो भी और कुछ नहीं तो नबी के मुकाबले में वो भी खड़ा। कोई दुकान आप ऐसी दिखा सकते हैं जिस पर लफ्ज अंग्रेजी का लिखा हुआ ना हो, जो अंग्रेज के इतने दिल दादा है वो नबी के साथ ही बढ़ सकते हैं। जिस तमाम बदबख्त ने अपने छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी के अल्फाज बजाय अम्मी कहने के और बैन बोला नहीं जाता, अम्मी का नाम और अंग्रेजी में हो गया, बाप का नाम और अंग्रेजी में हो गया, भाई का नाम और अंग्रेजी में हो गया, ये लफ्ज सीखे हुए जब बच्चों के जहन के अंदर अब्बा और अम्मी नहीं आ सकती जो अरबी लफ्ज थे, अब ऐसे कई बार बच्चे बाद में और चल हमारे लिए क्या बनाएंगे। इतनी अंग्रेज के साथ मोहब्बत और फिर के हम मोमिन बैठे हैं। आप याद रखना, मेरे नबी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, ईसाई और यहूदी। कुरान देख लें, छठा पारा खत्म हो रहा है, आखिरी जाकर तर्मा देख लेना, लतजिदन्ना अशद्दन्ना से अदावतल लिल्लज़ीना आमनु यहूद, फरमाया यहूदी नसरानी को तुम बहुत बड़ा दुश्मन पाओगे अपना। अल्लाह ताला ने जहां भी हुक्म दिया है ना, इनके रिवाज को भी मना किया कि इन यहूदी नसरानियों का रिवाज भी इख्तियार न करना, हालांकि रिवाज दीन तो नहीं होता, रिवाज और होता है दीन और होता है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया छठे पारे के अंदर आप जाके देख लेना, रात तक यहूदा बन नसारा, फरमाया बड़ा इनतबात आवाम, जिस बात के अंदर अंग्रेज को ईसाई को यहूदी को खुशी लगे, इनकी खुशी को तुम पूरा करोगे, चाहे तुम गौर से पट भी लगे अल्लाह फरमाए तो तुम्हें बेईमान करके मैं मारूंगा। आप पहले पाला पहले वाला इन का बात आवाम, जब कुरान मौजूद है तुम इन बेईमानों की तकलीफ करते हो। हमारे कुरान में
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پارا ہے نا پہلا، اس کا تیسرا پار دیکھنا، اس کے اندر وقالت الیہود رکوع چل رہا ہے، اس رکوع کی آخری ہے کیونکہ پڑھنا خدا کیا فرما رہا ہے، کاش ہم نے قرآن جو نہ پڑھا. جب کوئی انسان کسی انگریز کی خوشی کی بات کہتے جس سے وہ خوش ہو جائے، والا اہتا بات احوا اہم باد الذی جا کا من العلم مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، یاد رکھنے پھر خدا نہ تیری مدد کرے گا نہ خدا تیرا دوست بنے گا. اب پینٹ کوٹ پہنے گے تو کہیں گے خدا ہمارا دوست ہے، نعوذ باللہ من ذلک، کیسے ہو سکتا، قرآن منع کر رہا ہے. پتلون پینٹ کوٹ ٹائی اور ہیٹ وغیرہ لگانے والے یہ کہیں کہ ہم خدا کے دوست ہیں، جلب یہ کہ مجھے شکل ہے دوستوں کی، اللہ معاف فرمائے، قرآن فرماتا وہ میرے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو نکال دیا ہے. میرے نبی نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی کوئی شکل بنائے نا وہ ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے، میرے نبی نے امت سے نکال دیا. اب جو حضور کی امت سے حضور نے خود نکال دیا ہو، جن کو اللہ تعالی نے خود ان سب مسلمانوں سے خود نکال لیا ہو، جو نہ خدا ان کو قبول کرے نہ مصطفیٰ قبول کرے، بڑا وہ مومن کہا سکتے کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن پڑھنے اور حدیث پڑھنے کتنی بڑی بات بات ہے. تو اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے اندر یہ کہ ہم پڑھیں گے. اب آپ دیکھیں ملازمتیں ملتی نہیں ہیں، جگہ تنگ ہے، اگلوں کو نکالا جا رہا ہے، تنگی ہے ملازمت میں، لیکن ایسی بدبختی چھائی ہوئی ہے، اڑھائی تین چار سال کے بچے عیسائی عورتوں کے سکولوں میں داخل کرتے ہیں، ان کی تربیت بھی ہو اور ان کا اثر بھی ہو اور ان کا یہ معاملہ بھی ہو. الیاد باللہ الیاد باللہ، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کتنی بڑی مشکل بات. جب یہ تعلیم اس قسم کی ہو جائے پھر آپ دیکھیں، آپ نے شاید پڑھا ہوگا یہی ایک سکول کے اندر جب دو بچیاں جو تھیں نا، ایک دلہا بنی اور ایک دلہن بنی، یہ ڈرامہ آیا. آپ کو علم ہوگا میں آپ کے سامنے کیسے رکھ سکتا ہوں، میں نے رسالے میں پڑھا تھا، ختم نبوت والے رسالے میں، انہوں نے لکھا تھا کہ ایک اس وہ جو دلہن ہے نا وہ پیچھے میاں حضور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد ہے. وہ دوسری عورت کہتی جو میاں بنی ہوئی تھی، میرا نام محمد ہے. یہ ڈرامہ اس نے کہا تیرے باپ کا نام جو عبداللہ ہے، تیری ناں کا نام جو آمنہ ہے. اب آپ بتائیں سکول کی تعلیم نے ڈرامہ کیسے کھڑا کیا؟ کسی بے حیا کو یہ غیرت نہ آئی؟ پھر کہتے ہیں خدا کی رحمت اور مہنگائی کیوں آئے، مہنگائی کیوں مسلط ہو رہی ہے، اللہ کے عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ کہ جس امت کی بدترین عورتوں نے میرے نبی مکرم کے نام کو استعمال کر کے حضور کی ختم نبوت کے خلاف کام کیا، یہ کافر نہیں ہے تو مومن ہو سکتے ہیں؟ اور ان کو تحفظ ہے، اب کون ان کو کہہ سکتا، دعوی اسلام کا تحفظ ان کو دیا جا رہا. اب آپ اس پر غور فرمائیں، یہ ڈرامہ مستقل آیا، اس علاقے کے علماء صلحاء بڑے روئے، چیخے چلائے، پیچھے پڑے، لیکن کون پوچھتا ہے جہاں جب سارے انگریز پڑے ہوں، مسلمان ہو تو کوئی کھڑو جس کو نبی کا درد ہو. تو عرض میری یہ ہے کہ اس کے باوجود پھر بھی ہمیں ملازمتیں نہیں مل رہی، اور لفظ انگریز نے ایسا ہماری زبان پر چڑھایا ہے، ہم کہتے ہیں جی کوئی لڑکا پڑھا لکھا ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، پڑھے لکھے سے مراد ہوتا ہے کوئی 12 یعنی ایم اے بی اے کم سے کم کچھ کیا ہوا ہے، ایف اے کیا ہوا ہے یا نہیں، اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں. یعنی جس نے پوری عمر کی پیاری عمر جو تھی خدا کی محبوب بننے کی، اس عمر کو بدترین خلائق اللہ کے دشمنوں کے پر لگا کر بے ایمانی کے انتہا کو پہنچ کر خدا کے رسول کے ساتھ بغاوت کی ہے، اب اس کو پڑھا لکھا ہم کہہ رہے ہیں. اس پر آپ غور کرنا کتنا روئے قوم پر جو دبدبا ہو چکی ہے. اب اگر میرے نبی مکرم نے فرمایا اگر آپ استغفار کرنے والے ہو خدا کی قسم بارش پتھروں کی برسنے لگ جائے. جب ایک محلے کے اندر تین آدمی بھی استغفر اللہ پڑھتے رہیں نا اور روتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس محلے پر عذاب ان مستغفرین کی وجہ سے نہیں آنے دیتا، نہیں تو عذاب مانگنے میں کمی نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ، اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. ابو جہل اور اس کی جماعت بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے غلاف کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر تیرا یہ سچا وہ نبی ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں،
वो ऐलान कर रहा है अगर अल्लाह ये तेरा सच्चा नबी है तो हम तेरा लेना हिजारत मिन समा, फिर आसमान से पत्थर हम पर बरसा दे लेकिन इस नबी को नहीं मानेंगे। इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा मुकाबला बुझार कर रहा है। अब जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतला मिली कि ये अबू जहल ये दुआ कर रहा है बैतुल्लाह के खिलाफ पकड़कर, अल्लाह के नबी सजदे के अंदर गिर गए और रो रहे हैं कि अल्लाह मेरे होते हुए क्या आदाब आ सकता है। नबी ने सर न उठाया, खुदा ने फरमाया जिब्राइल मेरे रहीम व करीम नबी के पास जाओ और मेरी तरफ से जाकर उनको सलाम कहो और ये बात कहो कि मा कान अल्लाह युअज्जिबहुम व अंत फीहिम, ए मेरे नबी तेरा अल्लाह कभी इनको आदाब न देगा जब तक आप इनके अंदर मौजूद हैं। आपके होते हुए रहमत के होते हुए कभी गजब नहीं आया करता। और अगर ऐसे हो कि आपके तशरीफ ले जाने के बाद वमा कान अल्लाहु मुअज्जिबहुम वहुम यस्तग़फिरून, और अल्लाह उस वक्त भी अज़ाब नहीं करेगा जब इनके अंदर इस्तिग़फार करने वाले लोग होंगे। अब इस वास्ते के अल्लाह में लिखा है विच कुरान अंदर और जिमें हुक्म तफसीर सुनाम दिए गर्क हो जाता है जान सारा जिदा अमल मखलूक कमाम दिए। लाम लिखिया है विच कुरान अंदर, राम लिखिया है विच कुरान अंदर जिमें हुक्म तफसीर सुनाम दिए गर्क हो जाता है जान सारा जिदा अमल मखलूक कमाम दिए। जदू कार वालू रबे आलम नजर करे सुने रोदे वेले वेले वेक जो हजर शर्माम दिए सत्तार बख्शाओ जो रोदे वाले जी सुन्नत ते अमल करिए और जिदी कबर आराम पहचान दिए। ये एक बड़े शायर बदौर की जिन्होंने कुरान की तफसीर पंजाबी जबान के अंदर सत्तार बख्श लिखी है, पंजाबी जबान में शेरों के अंदर उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है। तो ये बदौर फरमाते हैं बात यही है हुजूर की बरकत से और इस्तिग़फार की वजह से, जहां आप इस्तिग़फार कर रहे हैं जिसकी वजह से 1500 साल की होती है आप हजारों की तादाद में रो रहे हैं, अल्लाह का अज़ाब आया हुआ हट जाता है। ये बात क्या है? फरमाया अगर इसको छोड़ दो इस्तिग़फार को, देखो खुदा का अज़ाब कैसे आएगा। एक दिन में नहीं लगेगी, फौरन खुदा का अज़ाब ला दे, पत्थरों की बारिशें शुरू हो जाएंगी, मामले सारे तैयार हो चुके हैं, हमने अपने लिए तमाम खाएं खोद ली हैं, हर किस्म की खंद के जहन्नम के अंदर तैयार कर ली हैं, नबी की मुखालफत करने में कोई हमने कमी नहीं की। इतनी तौहीन भी बना हो सकती है जिस मन के अंदर रसूलुल्लाह के नाम पर एक औरत कहे कि मैं मोहम्मद हूँ। हाय अल्लाह, बर्बाद हो गया ये मुल्क, तबाही ना आ गई और कबादी ना आ गई कि एक औरत को इतनी जुरत हासिल हो जाए कि मैं मोहम्मद हूँ। अल्लाह बिल्ला, ये ड्रामा हो रहा है मुल्क के अंदर, ये ड्रामा क्या हो रहा है? खुदा के कार को दावत दी जा रही है कि इतना बड़ा जुर्म शदीद, इतना बड़ा जुर्म शदीद, इतनी बड़ी जबरदस्त बात, किसी को इतनी जरूरत नहीं होती कि अपना नाम अपने उस नबी के साथ मंसूब कर सके। जिस उम्मत के अंदर भला इनको चुप करने वाले भी बेईमान काफिर हो गए, वो उसके वालिदैन भी तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन पता चलेगा जब मौत आएगी बच क्यों रहे हैं कि इस्तिग़फार करने वाले लोग मौजूद हैं। वमा काल अल्लाहु मुअज्जिबहुम वहुम यस्तग़फिरून, एक महल्ले में 3 आदमी एक एक 100 दफा इस्तिग़फार करते रहे, सारे महल्ले पर अज़ाब।